मथुरा में थाना गोवर्धन पुलिस ने सर्विलांस की मदद से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 मोबाइल, 4 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। दरअसल गोवर्धन इलाके में कई लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी करने के मामले सामने आए थे। इसको लेकर एएसपी अनिरुद्ध कुमार के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार, प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल नितिन कसाना पुलिस टीम के साथ साइबर अपराध करने वाले शातिरों की तलाश में जुटे थे। तभी सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से देवसेरस जाने वाले कच्चे रास्ते से 5 शातिरों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने अपना नाम राहुल उर्फ गांधी, साजिद उर्फ खली, शमीम उर्फ शकील, जुनैद और अजरू बताया है। थाना गोवर्धन जनपद मथुरा पुलिस द्वारा पुलिस एंगेजमेंट में 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम राहुल, साजिद, शमीम, जुनैद, अजरू, निवासी देवसेरस थाना गोवर्धन है। गिरफ्तार अभियुक्त ऑनलाइन ठगी के माध्यम से लोगों को ठगते थे एवं पूर्व से मुकदमे में मॉनिटर चल रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त 5 मोबाइल फोन, 4 अवैध असलहे, 315 बोर मैक कॉटेज बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। अभियुक्तों को शीघ्र ही जेल भेजकर अग्रिम विधि कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एसपी देहात ने बताया कि ये शातिर लोगों को फोन करके उनसे दोस्त रिश्तेदार बनकर पहचान करते थे और अपने किसी व्यक्ति से खाते में रुपए डलवाने की बात कर खाता नंबर पूछने के बाद लिंक आदि की जानकारी करते हैं। इसके बाद खाते से रुपए पार करते हैं। इन्होंने कई स्थानों के 10 से अधिक लोगों के साथ ठगी की। इनके मोबाइल साइबर सेल के सुपुर्द कर दिए गए हैं। साइबर सेल इनके मोबाइल का डेटा खंगाल कर जाँच कर रहा है।